अब जैसे ही वो अपना नोट लेती है, जिसकी वजह से डूहोंग की कोट का बटन भी टूट जाता है, तो डूहोंग कहता है मैं तुम्हारा नोट पढ़ सकता हूँ, लेकिन जैरिन मना करती है। डूहोंग कहता है मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तो जैरिन कहती है मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आपके कोट का बटन टूट गया। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तो इसे अभी ठीक कर दूंगा। फिर वो अपने बैग से सुई धागा निकालता है और अपने कोट के बटन को लगाने लगता है। ये देखकर तो जैरिन उससे और भी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और उसे देखती रह जाती है। फिर वो उसे कहती है कि मैं आपको होटल का टूर करवा देती हूँ। तभी वहाँ पर यंग बे आ जाता है और कहता है कि यह काम मैं कर लूँगा। तो जैरिन यंग बे को साइड में ले जाकर कहती है मैं ये करना चाहती हूँ, वैसे भी बॉस ने कहा है आज से मैं ऑफिशियल ड्यूटीज़ कर सकती हूँ। फिर वो डोहोंग के पास जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर चामिन आ जाता है और कहता है तुम्हें इसे टूर करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो यंग बे करवा लेगा। लेकिन डोहोंग कह देता है लड़की मुझे टूर करवा सकती है, और वैसे भी हम दोनों फ्रेंड्स बन चुके हैं। ये सुनकर जैरिन और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। तो चामिन कह देता है ठीक है, और फिर जैरिन और डूहोंग बैठे होते हैं। डूहोंग होटल का मेन्यू रीड कर रहा होता है और जैरिन उसे काफ़ी प्यार से देख रही होती है और सोच रही होती है ये तो बिल्कुल बच्चे की तरह है, मतलब कि मेरी शादी एक बच्चे से होने वाली है। तो डूहोंग उसे कहता है तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो। जैरिन कहती है बस ऐसे ही, वैसे तुम्हारी एज क्या है। तो वो कहता है कि 30। जैरिन कहती है क्या सच में, मुझे तो लगा था कि तुम 20 के हो। और फिर वो उसके बारे में पूछती है, तो डूहोंग उसे बताता है कि वो डायरेक्टर डूहोंग है। ये सुनकर जैरिन कहती है मतलब कि तुम वही हो जिसे कि लास्ट ईयर यंगेस्ट बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। तो वो कहता है कि हाँ। जैरिन कहती है मैं तो तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। डूहोंग कहता है लेकिन फिर भी मुझे यहाँ का मेम्बरशिप नहीं मिला है, तो मुझे यहाँ पर हर टाइम एंट्री नहीं मिल सकती। जैरिन कहती है तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, इस टाइम तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट इंसान हो, मैं तुम्हें मेंबरशिप ऐसे ही दिलवा दूंगी। वहीं डाना चामिन को कह रही होती है मतलब कि तुम अब जैरिन को यहाँ पर काम करने दोगे। चामिन कहता है मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं उसे पसंद नहीं करता। डाना कहती है फिर ठीक है, जल्दी से उसे सिंड्रेला बना दो और यहाँ से जाने दो। तभी वहाँ पर जैरिन आती है और चामिन को कहती है क्या हम डूहोंग को यहाँ का मेंबर बना सकते हैं। तो चामिन मना कर देता है और कहता है कि उसे वेटिंग लिस्ट में रखो। तो जैरिन कहने लगती है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो फिल्म मेकर है और बहुत ज़्यादा फेमस है। तो डाना भी जैरिन को कह देती है तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम उसे पसंद करने लगी हो। जैरिन कह देती है हाँ मुझे वो काफ़ी पसंद आ चुका है, और अगर मैं उसे मेंबरशिप नहीं दिला पाई तो मैं घर जाकर अच्छे से सो नहीं पाऊँगी, ना ही कुछ खा पाऊँगी। और चामिन डाना को कहता है ये हमारी बिजनेस रिलेटेड बात है तो तुम यहाँ से जाओ। तो डाना चली जाती है और फिर चामिन जैरिन को कहता है क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। जैरिन कहती है तुमने कहा था ना मैं सिंड्रेला नहीं बन सकती, लेकिन अब मैं तुम्हें बनकर दिखाऊंगी। चामिन कहता है तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। जैरिन कहती है अपनी बकवास बंद करो। चामिन कहता है तुम्हें जो करना है करो, बस तुम मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। जैरिन कहती है इसका मतलब तुमने यस कह दिया, और जैरिन वहाँ से चली जाती है। फिर वो डूहोंग के पास जाती है और डूहोंग उसे मेंबरशिप दिलवाने के लिए थैंक यू कहता है। जैरिन कहती है कोई बात नहीं, और फिर जैरिन इमेजिन करने लगती है कि वो गिर जाती है और डूहोंग उसे संभाल लेता है, लेकिन ये रियलिटी नहीं होती, वो सिर्फ इमेजिन कर रही होती है। तभी वहाँ पर चामिन आता है। डूहोंग हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन चामिन हैंडशेक नहीं करता। वो कहता है कि अगर तुम्हारा काम पूरा हो चुका है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर जैरिन डूहोंग को बाहर छोड़ने के लिए आती है, लेकिन चामिन उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। तो जैरिन उसे कहती है तुम हमें फॉलो क्यों कर रहे हो। तो चामिन जैरिन को पुश करके पीछे करता है और कहता है मैंने कहा ना कि तुमसे स्मेल आ रही है। लेकिन डूहोंग जैरिन को संभाल लेता है और कहता है कि तुम में से काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है। ये सुनकर जैरिन काफ़ी खुश होती है, लेकिन वहीं चामिन को गुस्सा आ रहा होता है। और फिर डूहोंग जैरिन के बाल पीछे करता है और कहता है तुम अपने बाल क्यों खा रही हो। फिर वो गाड़ी में होता है और जैरिन को कैंडी देता है और कहता है कि बालों के बजाय तुम्हें ये खाना चाहिए। और कैंडी लेकर जैरिन सोचती है ये सिर्फ मेरे लिए कैंडी नहीं है, ये तुम्हारा प्यार है। फिर डूहोंग उससे कहता है हम वेलकम पार्टी में मिलेंगे। जैरिन कहती है ठीक है, और डूहोंग वहाँ से चला जाता है। फिर चामिन जैरिन को कहता है तुम वेलकमिंग पार्टी में नहीं आ सकती। वो कहती है क्यों। चामिन कहता है तुम्हें अपनी पर्सनल फीलिंग को काम से अलग रखना चाहिए। जैरिन कहती है तुम चिंता मत करो मैं हार्ड वर्क करूँगी। चामिन कहता है काम से पहले तो तुम अपने बाल बांध लो। तो जैरिन अपने बाल टाई करती है और उसे देखकर चामिन उसे देखता रहता है और स्माइल करने लगता है। फिर उसे एग्जीबिशन हॉल में लेकर आता है और कहता है तुम्हें यहाँ की थीम चेंज करनी पड़ेगी। जैरिन कहती है तुम मेरी हेल्प करोगे ना। चामिन मना कर देता है और कहता है तुमने उसे मेंबरशिप दिलवाई है ना, तो तुम्हें सब कुछ अकेले ही हैंडल करना पड़ेगा। और वो उसे एक आर्टिस्ट का कार्ड देता है और कहता है तुम इसकी हेल्प ले सकती हो। जैरिन कहती है ठीक है,
और चामिन अपना अम्ब्रेला लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर यंग भी आता है और जैरिम उसे कहती है कि बॉस काफ़ी ज़्यादा रूड है, क्या तुम मेरे लिए उनका अम्ब्रेला चुरा नहीं सकते? यंग भी कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये कोई नॉर्मल अम्ब्रेला नहीं है। कहती है देखकर ऐसा लगता है कि अम्ब्रेला एज अ गुड लक किसी ने इसे दिया है। फिर जैरिम अपनी टीममेट से इसी थीम को लेकर बात करती है। फिर वो साथ में पिज़्ज़ा खाने के लिए आते हैं। वही चामिन भी एक जगह पर आया होता है और वो अपने सामने वाले ओपोनेंट को एज अ डूहोंग देखने लगता है और वो उसे नीचे भी गिरा देता है। फिर जैरिम और उसके टीममेट्स को देखते हैं, वहाँ पर वही आर्टिस्ट आता है और जैरिम उससे थीम को लेकर बात करती है। तो वह कहता है तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, और वह ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है। चामिन उन्हें हंसते हुए सुन रहा होता है और कहता है इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मुझे एग्जीबिशन कैंसिल ही कर देना चाहिए था। फिर चामिन घर जा रहा होता है, उसके पास डाना की कॉल आती है, मैं तुम्हारे घर आने वाली हूँ, तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। लेकिन चामिन कहता है कि मैं घर पर नहीं हूँ, मैं कहीं गया हूँ, यह बोलकर वो कॉल कट कर देता है। फिर जैरिम घर पर होती है, इसी थीम को लेकर काम कर रही होती है। तभी वो देखती है कि हवाजन वो कैंडी खा लेती है जो कि उसे डूहोंग ने दी थी। यह देखकर जैरिम को काफ़ी गुस्सा आता है और वो हवाजन को गुस्से में चिल्लाने लगती है। फिर जैरिम को होटल में देखते हैं, वहाँ पर यंग भी आता है। जैरिम कहती है कि बॉस कहाँ पर है, वो दिख नहीं रहे। यंग भी कहता है उन्होंने कहा है आज उनका काम करने का मूड नहीं है। फिर जैरिम वहाँ पर सफाई कर रही होती है और साथ ही चामिन को गालियाँ दे रही होती है कि उसने सारा काम मेरे ऊपर ही छोड़ दिया। और वही चामिन को देखते हैं, वो भी खुद से गुस्से में जैरिम को कुछ कुछ कह रहा होता है। फिर जैरिम की फैमिली को देखते हैं जो कि साथ में बैठकर ड्रामा देख रही होती है। तभी जैरिम के पास नामून का कॉल आता है जो कि सुजिन को पसंद करता है और उसे कहता है मैंने सुजिन को प्रपोज किया था लेकिन उसने मना कर दिया, मुझे लगता है कि मुझे दूसरे शेप का डायमंड खरीदना चाहिए था, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो जैरिम कहती है मुझे नहीं लगता कि डायमंड साइज़ में कोई भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन तुम ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो वो कहता है कि प्लान तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो तुम मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। जैरिम कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, ऐसा नहीं हो सकता। तो नामून कहता है मुझे बताओ फिर तुम्हारी बहन को क्या पसंद है, और वो सुजन को अपनी मोम के साथ देखती है और कहती है कि फ़िलहाल तो मुझे इतना ही पता है कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती है। फिर हम चामिन को देखते हैं जो कि एक पुराने घर में आता है, वहाँ पर एक फ़ोटो देख रहा होता है, हालांकि उस फोटो में कौन है ये हमें नहीं दिखाया जाता। और चामिन फ़ोटो को देखकर कहता है कि कौन जानता था कि मैं तुम्हें भूल जाऊँगा, लेकिन तुम बिल्कुल जैरिम की तरह लग रही हो, अब मुझे पता चला कि मैं जैरिम की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ। फिर हम जैरिम को देखते हैं जो कि पार्टी की प्रिपरेशन कर रही होती है और वो ऊपर एक बल्ब लगा रही होती है, लेकिन तभी वो बल्ब नीचे गिर जाता है और वहाँ पर डूहोंग आता है और जैरिम को कहता है कि नीचे मत आना, और वो उसे खुद उठाकर नीचे उतारता है। और यह देखकर जैरिम काफ़ी खुश होती है। वहीं पर यंग भी आता है और जैरिम को कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? जैरिम कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर जैरिम और डूहोंग बात कर रहे होते हैं। डूहोंग कहता है कि तुम तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रही हो। जैरिम कहती है कि हाँ। डूहोंग कहता है लेकिन अब तुम्हें थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। जैरिम कहती है ठीक है। और तभी जैरिम के पास आर्टिस्ट का मैसेज आता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे लिए एग्जीबिशन की पेंटिंग नहीं बना सकता। यह देखकर जैरिम काफ़ी चौंक जाती है और भागते हुए उसके वर्कशॉप पर आती है, लेकिन देखती है कि वहाँ पर वो आर्टिस्ट नहीं होता। लेकिन वो जैसे कैसे उसे ढूंढ लेती है और आर्टिस्ट उसे कहता है उससे दूर रहो, मैं तुम्हारे लिए पेंटिंग नहीं बना सकता।